मोदी जी चीफ सेक्रेटरी तू सोया क्या रे, उठ रहे सो मोटो पकड़ रहे गवर्नर, डिसमिस कर उसे, 10 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुबली में करियो भाई। अब वोट की कीमत कर्नाटक में मालूम होती, पहले 2 छत थे अम्मा जान तल्ला जान, अब तीसरे मामू जान आ रही अतुल बतुल। Hello everybody and welcome to GoHash.in. MLC CM Ibrahim ने हिजाब के इशू को चलते हुए अपना बयान जारी किया। ये बयान काफी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कई अहम बातों पर इस पर स्ट्रेस किया है। आज इस मौके पर CM Ibrahim साहब का क्या कहना है? दुनिया की तारीख है इसमें, हमने डरने का सवाल नहीं। अब लाल किला कौन इनके चिचा बन जाता, झंडा उड़ा दूंगा बोला बाबा, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, विदेशी बनाया है तो फिर लाल खोला कौन तुम्हारे बाबा बंदे थे? कोर्ट को सिर्फ इतना बोलना था कि पर्दा पहन के लड़की जा रही है, बुरखा पहन के नहीं जा रही, तो ये अगर रखते तो इसके ऊपर कोर्ट क्या बोलता। वो मेजॉरिटी वोट खोने के डर के बजाय जो है माइनॉरिटी वोट खो रहे, उन्होंने नफा कमाने जाको कैपिटल गंवा ले रही है, ऐसे बेवकूफा काम ही नहीं देखा मैंने। पानी भर को भरने वास्ते मटका लग जा रहेगा तो उससे है उससे सब सुराख अंदर लग जा रही, फिर पानी का नाम है। ताकत वाले है, पत्थर वहां पड़ता दरख्त को जिसमें फलना है, एक आदमी कमाया तो 10 आदमी खाते हैं, बरकत वाली कौम है, पाक कौम है, झुकने वाले नहीं, ताकतवर कौम है, कितना मिठाई तो भी मिठरा नहीं। 1400 साल हुआ कुरान, एक जानवर नहीं चेंज कर सके, एक जेर नहीं चेंज कर सके, 6666 ऐसा आया था, 7 साल का बच्चा मुजुबानी याद कर ले रहा, अरे क्या है रे बाबा ये, 18 फीट के कुएं से पानी निकल रहा जमजम, दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी, इनको काम भी बाहर डालने हो रहा हम करेंगे क्या, तो ये काड़ियाँ कर रही। तो हमारे आदमी क्या करना कि ऐसा हो रही, अल्लाह को पकड़ो, मुसल्ला बिछाओ, सिजदे में जाओ, फरियाद उसे करो, कहीं को चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर को पकड़ दीजिए, इन खून से बाला ही ना, अल्लाह मजबूत, उसके मालिक के पास तुम्हें गिड़ गिड़ कर दुआ करो, अगर उसे एक दिन मालिक इरादे मर्जी कर लिया पूरा ताकत, 600 साल हुकूमत, 800 साल उस्मानिया खिलाफत देखे नहीं थे, दुनिया की तारीख है इसमें, हमने डरने का सवाल नहीं। अब लाल किला कौन इनके चिचा बन जाता, झंडा उड़ा दूंगा ईश्वरप्पा, मैं बोला बाबा बाबरी मस्जिद तोड़ दो, विदेशी बनाया है तो फिर लाल खोला कौन तुम्हारे बाबा बंदे थे? बाबर का नवासा बन जाए वो पोतरा, सेडिशन केस क्यों नहीं पढ़ सकता उन पे, क्यों वो उन्होंने नहीं उसते हमारे हमारे लायर अच्छो, इन्हों भी चुप बातें कर रही, मैं मारे सर का करता हूँ तू रे सर का कर कर बोल को, कौन भी कोर्ट को जा रहा नहीं, मैं एक ही चब उग्रप्पा के खिलाफ 1 करोड़ का डेफरमेशन डाली मैं अब फाइल करे आज, मतलब हमारे में हिम्मत है ताकत है दबा को बोल रही। अब इन्हों जो है बेचारे वो सेडिशन का केस कभी फर्स्ट दिन मई जो बोले येडियुरप्पा के ईश्वरप्पा के 9 को बयान दिया 10 को मैं जवाब दियो, इन्हों आज उठा रहे, आज कहते तारीख 17 तारीख, कितने दिन से क्या कर रहे थे, 10 तारीख को मैं कहता हूँ ईश्वरप्पा की जबान नहीं, उसका मुंह मशीन रेजर का, नोटा गिनने की मशीन मिली, डीजी चीफ सेक्रेटरी तू सोया क्या रे, उठ रहे सो मोटो पकड़ रहे गवर्नर, डिसमिस कर उसे, 10 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुबली में करियो भाई। सर न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने लिखा है कि इंडियन मुस्लिम्स आर द चीपेस्ट वोटर्स इन द वर्ल्ड हु डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ द वोट दे कॉस्ट, क्या कहेंगे आप इस बारे में? दैट्स वही हमारी कीमत ऐसी भी सब। अब वोट की कीमत कर्नाटक में मालूम होती, पहले 2 छत थे अम्मा जान तल्ला जान, अब तीसरे मामू जान आ रही अतुल बतुल। अब जो है अब इन आ गया रे बाबा घूटा भरने वाला, तीसरी ताकत है अब पावा पड़ती, कांग्रेस में है सो अखिलेत लीडरों को अब इज्जत मिलती, वो देखो खादर को वो दिए, मतलब डिप्टी लीडर दिए, पैंट नहीं दिए चड्डी तो दिए कम से कम लंगोटी, ठीक है मेरी एक आवाज के ऊपर इनको मिल रही, लेकिन कर रहे हैं क्या? हाँ वो उन्हों सहमत है, मैं क्या करूँ, कर लेने वाला रात क्या हुआ, आपका भी नहीं हमारा क्या भी नहीं, हमें हमें जो है जो मिलना वो मिलना।
इंशाल्लाह इंतजार करो 2023 तक देखो ड्राइविंग सीट में तुम्हें कैसा बैठते खौम करने का तुम ना दिखा तुम्हें कोई काउंसिल में कल बोले हुबली ईदगाह में फ्लैग हैस्ट करे तुम्हें बीजेपी बोल रही है एक्सेप्ट कर ले नहीं सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर स्टूडेंट्स के हवाले से अगर कर्नाटक का हाईकोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स के खिलाफ जाता है हिजाब के खिलाफ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो पता नहीं कितने लेकिन दो महीने के अंदर टेंथ और पीयूसी के एग्जाम्स होने वाले हैं कई सारे लोग जो इस्लाम मजहब को फॉलो करते हैं अगर बच्चियों को नहीं भेजेंगे तो उनका एजुकेशन खराब इस हवाले से सीएम से कुछ आप एक ये कर सकते हैं पहले उलमा से पहले बातचीत करके देखिए इसमें क्या है ये कोर्ट दूसरा लेजिस्लेचर तीसरा उलमा करम यहाँ क्या मुत्तफिक राय आती कि तू तो एक आलिम ये बोल को वो आलिम नहीं छोटी गलती रहते हुए छोड़ डालना बड़ी कुछ पकड़ना छोटी को ठीक करने जाको बड़ी मुसीबत को नहीं लेना वो क्या उसका मतलब मुझे आज तक नहीं मालूम है एक मौलाना बोल रहे थे जी, कल, में, कल के कौन उन्होंने मौलाना कर मुझे मालूम नहीं गाँव वाले घर को मालूम नहीं तो ये मुत्तफिक राय क्या है उलमा की अब हमें सियासत देना हम ना तुम ना गाइड करो तुम हमें गाइड करो नहीं ये तरीके से जाओ ये होना तुम्हें इसके ऊपर जिद करो हमें तैयार है पूरे कांग्रेस के एमएलए को फतवा जारी करो जितने भी एमएलए से फतवा जारी करो तुम्हें इस चीज़ के ऊपर लड़ना ये कौम का मुत्तफिक फैसला है उसके बाद जो तुम्हारे साथ नहीं आता उसे तख्ता नहीं पलंग नहीं यार लड़ाई चल रही सो तख्त की और तख्ते की हम ना तख्ता बस कर रही तख्त नहीं मिला तो भी तख्ता होना तख्ता का तो समझ गए ना हाँ आखिर का हाँ वो चो गुस्सा जो वो चाहे सो ये तख्त की वजह से तख्ता की गवा लेना सर दैट्स व्हाई इसमें जो है उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल है आज जाको मिल को एंकर बोल को बोले मुफ्ती मैं अमीरे शरीयत को फ़ोन कर रहा था डीजीपी सूद के साथ मिले के डीजीपी को बात कर रहा सूद भी बोले हालांकि डीजीपी अच्छा है इज़ ए गुड मैन सेक्युलर माइंड का है हमारी पुलिस जो है 90% एक 10% इधर उधर चलता अब रहता ट्रांसफ़र करने वाले उन्हों एक जगह बात मानते हैं लेकिन 90% ला अबाइडिंग पुलिस है ऑफिसर्स भी है अब वो मणिवर्णन एक लिखा गलत लिख रहे अभी मणिवर्णन को लिखियो मैं हिजाब नहीं डालना करो कि सेकुलर इश्यू करा रेजिडेंशियल स्कूल्स में उर्दू स्कूल्स में मैं उससे पूछू हु आर यू हु टोल्ड यू टू डू दिस डू यू टेकन द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट आर यू हैव डन ऑन योर ओन हाउ वी कैन टुमारो वी कैन पुट इट इन द हाउस ऑल्सो कि घर में भी नहीं पहनना तो घर को भेजेंगा रेजिडेंशियल स्कूल है वो वहां से रहती हूँ मौलाना अबू कलाम आजाद स्कूल्स हो तो वहाँ ये कैसा जारी होता तो उसका लेटर आज भेज रहा हूँ लेटर सी व्हाट रिप्लाई